ठीक है तो इसमें से मैंने एक दुपट्टा पिक कर लिया ये वाला थोड़ा सा कॉटन से ये काइंड ऑफ है इसको पिक करें तो इसको सबसे पहले हम अपर पार्ट के लिए कट करेंगे ठीक है तो इसको मैं बिछाती हूँ तो सबसे पहले अपर पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे मार्क लगाया फिफ्टीन एंड हाफ इंच का मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक है यहाँ पे मार्क डबल कर दिया मैंने इस कपड़े को मैं इसमें अस्तर नहीं लगा रही कोई भी लाइनिंग वाला दुपट्टे को ही एज ए लाइनिंग यूज़ करूँगी दुपट्टा पूरा यूज़ कर लूंगी ठीक है तो मतलब कोई भी पल्ले से पैसा लगेगा नहीं लाइनिंग का तो मैंने इसमें निकाल लिया अभी फिफ्टीन एंड हाफ इंच का मार्क लगा के कट कर लिया डबल मैंने कट किया लेकिन मैंने पहले तो ये सोचा था अपर पार्ट की कटिंग आई बड़ी फिर उसके बाद मैंने जब इसको मेज़र करा अच्छे तो मुझे लगा कि ना स्लीवस बना लेती हूँ इसकी अभी स्लीवस के लिए थर्टी एट इंच हो गया आई थिंक मैं आपको दिखाऊंगी अभी हाँ थर्टी थर्टी टू सॉरी थर्टी टू ठीक है तो ये स्लीव्स बनाएंगे हम इसकी चूड़ी वाली स्लीव्स बन जाए अब जो बचा फैब्रिक देख लो ऐसे बचा है दुपट्टा ऐसे है इसको ऐसे फोल्ड किया फिर से फोल्ड किया मतलब इसमें आपको मिलेंगी फोर लेयर्स फोर लेयर्स ही होंगी क्योंकि आगे वाला पार्ट वन होता है पीछे पार्ट वन होता है लेकिन अस्तर लगाएंगे तो आगे दो हो गया पीछे भी दो हो गया तो सेम इसी का अस्तर मैं यूज़ कर रही हूँ अब हम बेसिक जो अपर पार्ट के मेजरमेंट्स होते हैं हमारे शोल्डर के है ना शोल्डर होल जो होता है बस्ट फिटिंग वेस्ट फिटिंग वो लगा लूँगी मैंने लिखा है ऊपर तीरह रखा है सेवन एंड आठ ही मान लो पूरा आठ एक पॉइंट कम है उससे और शोल्डर भी होल भी मैंने आठ रखा है एंड देन बस्ट एंड चेस्ट जो भी है ठीक है इसको मैंने नॉर्मल कट कर लिया एंड ये ऊपर से भी डाउन कर दिया हाफ इंच अब मैंने फ्रंट पार्ट अलग निकाल लिया इसमें मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ तीन इंच चौड़ाई रखी है और सेवन इंचज की लंबाई रखी है वी नेक मैंने कट किया सिंपली कट कर दूंगी कुछ नहीं लगाना बुक्रम कुछ नहीं होती इनके अंदर बुक्रम इसके अंदर कुछ भी नहीं होता तो इसी की लाइनिंग को ही मैं इसमें अटैच कर दूंगी आपको आता होगा जैसे लाइन लाइनिंग और इस पार्ट को जॉइंट कर लो स्टिच कर दो नेक को देन पलट दो इस तरीके से दो पार्ट हैं अब हम बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे तीन इंच चौड़ाई जो हमने फर्स्ट आगे रखी है और उसके बाद जो लंबाई लंबाई श्रक की गला रखना हो तो बडा पीछे पीछे बड़ा रख लो लेकिन नॉर्मली देखा जाए छोटा होता है गला और छोटा ही अच्छा लगता है तो मैंने एक इंच डेढ़ इंच का ये गला नॉर्मली बिना मेज़र करे मैंने रख लिया एंड ये दो पार्ट हो गए अब इसको हम अटैच करें पहले नेक अटैच कर लूँगी फिर पलट दूँगी फिर हम फिटिंग कर लेंगे अब मैंने वी नैक बना लिया बैक ज्वाइंट जो, जो, कर ली एंड शोल्डर भी ज्वाइंट कर दिए तो ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो चुका है अभी हम क्या करेंगे इसमें जो फ्रंट पार्ट है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ मैंने इसमें क्या किया पहले वी नेक बना लिया फिर मैंने इसको सेंटर से कट करूंगी लेकिन मैं आपको एडवाइस देती हूँ आप क्या करना वी नेक जो बनाओगे ना प्रॉपर नीचे तक जाने देना बिल्कुल लास्ट तक जो इसकी फोटीन एंड हाफ इंच लंबाई बनेगी उस तक क्योंकि बाद में मैं इसको एडजस्ट करूँगी फिलहाल इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ उसके बाद हम क्या करेंगे फिटिंग कर दी मैंने इसकी मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से ये जो कट करा ना जॉइंट कर दिया मैंने इसको इस तरीके से जैसे जैकेट होती है अब मैं आपको लंबाई बता रही हूँ इसकी कितनी है मुझे रखनी है फोर्टीन फोटीन इंचिज़ थोड़ी सी लंबी आई और लंबाई वैसे मुझे कम रखनी थी लेकिन अब रख ली गई क्योंकि जो नीचे के पार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले सोच लिया था मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बनाते हैं अच्छा भी बन जाएगा फिर मैंने दुपट्टा लिया सबसे पहले ग्रीन दुपट्टा लिया सबसे छोटा दुपट्टा था ये वाला तो इसको मैंने यूज़ करा क्योंकि छोटा में क्योंकि स्टार्टिंग हम कम लेयर लेंगे जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो लेयर्स बढ़ती जाएंगी तो पहले मैंने कट किया पौने सात पे मार्क लगाया तो इसमें दो लेयर कट कर ली दोनों पे कच्चा टांका लगा लिया इस तरीके से और उसमें से एक धागे को पकड़ के इस तरीके से खींच लिया ऐसे सर ने अपने बच्चों की फ्रॉक बनाते हैं तो वो गैदरिंग करके इस तरीके से मैं इसको करूंगी और आप जो कमर की फिटिंग है जो अपर पार्ट कट की है जो उसकी कमर की फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लपेटते हैं नॉट कमर की फिटिंग भी लाइक नहीं आएगी उसके अंदर क्योंकि श्रग में कोई तो कमर की फिटिंग नहीं होती लाइक थोड़ी सी खुली होती है जितना हमने कट करा उसमें लपेटते जाएंगे उसमें स्टिच करते जाएंगे अभी मैंने कर ली इसकी फिटिंग आपको मैं जैसे दिखा रही हूँ पहले जो कट था वो जॉइन किया था अब फिटिंग हो चुकी है अब हमें ये जो लेयर कट की आपको दिख रहे हैं असल गैदरिंग आ रखी है सारी अब ऐसे करके इसको लगा देना है ऐसे आगे जो भी आपके पास दुपट्टे होंगे आप वैसे यूज़ करते हो आपको देख लो किस बस कोई कलर मैच ना खाए ऐसे जैसे येलो के साथ आप और आ, कोई येलोश में लाइट लगा दो तो वो थोड़ा ध्यान रखना है इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान अलग अलग कलर करके लगाना अब मैंने ग्रे कलर उठा लिया नोट्स या ग्रे जो भी कलर है अब मैं आगे आपको समझाऊंगी कि, कि मैंने कैसे कैसे कितना कितना क्या लिया है तो फिलहाल तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से वो कट करते जाना पौने साथ पे और गैदरिंग करते जाओ उसके बाद मैंने ये येलो उठा लिया इसके मैंने कट किया वैसे ऊपर रखते जाओ और इक्वल कट कट करते जाओ दुपट्टों को मैंने कट कर लिया ये जो चौड़ाई है पौने साथ है साढ़े छह से एक दो पॉइंट ऊपर है सारे जो भी मैंने कट करा है इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग में क्या करना है जो ऊपर ऊपर का है उसमें मैंने रखा था सिर्फ सवा दो

दो मीटर दो मीटर और एक एक मीटर मैंने उसमें से एक हिस्सा निकाल दिया दुपट्टों को ऐसे लेयर में करते हैं ना जब हम तो दो मीटर निकलते हैं फिर तो आप निकालोगे आपको समझ आ जाएगा तो ये आ, ये कितना चार मीटर ये पाँच मीटर ठीक है येलो येलो के बाद मैंने निकाला छः मीटर छः मीटर के लिए मैंने यूज़ किया ये लाइट वाला दो दो, दो छ हो गया दो चार छः ठीक है ये जो भी सी ग्रीन सा कलर है लाइट सा कलर है ये वाला छः मीटर छः मीटर के बाद हमें करना है सात मीटर तो सात मीटर के लिए मैं आई हूँ ऑरेंज दुपट्टे पे तो दो मीटर दो मीटर दो मीटर और एक मीटर चार लेयर्स हैं ये सात मीटर है और बिल्कुल लास्ट में आया है स्काई वाला आठ मीटर दो मीटर दो मीटर दो मीटर दो मीटर आठ स्टार्टिंग करा सवा दो तीन रेड वाला चार येलो पाँच ये लाइट वाला छः ऑरेंज वाला सात और लास्ट दुपट्टा स्काई वाला आठ तो मतलब एक एक मीटर अगर आपके पास कपड़ा और ज्यादा है तो भले दो दो मीटर प्लस कर लो बट उतना ही जब आप धागा खींचोगे आपको दिक्कत बहुत होगी तो लास्ट जो मेरा घेरे है एट इंच और जो स्टार्टिंग मैंने करा था ग्रीन वाले से वो सवा दो है उसके बाद सारे जो पार्ट्स मैंने कट किए हैं दुपट्टों के इन सबको ज्वाइंट कर लिया कुछ नहीं करना बस जैसे पहला आपका सवा दो था दूसरा तीन है तो थोड़ी गैदरिंग आती जाएगी क्योंकि जो ऊपरा पार्ट है उसमें गैदरिंग करिए तो नीचे वाला ओब्वियसली बढ़ा जाएगा ना पार्ट तो ये तो ऊपर जैकेट वाले पार्ट पे लगा है ग्रीन वाला तो ऐसे करके सारे पार्ट मैंने कर लिए तो ज्वाइंट करने से पहले क्या है जैसे जो भी लेर पार्ट्स हैं जैसे ये लाइट वाला है इस पर पहले आपको कच्चा टंगा चलाना है जैसे अब ये ऑरेंज वाले पे चला रही हूँ फिर इसको ऐड करना है आपको धागा थोड़ा थोड़ा खींच के लेकिन जो बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं ना जो लास्ट में दो तीन दुपट्टे कलर ऐड हुए हैं इनमें मैंने गैदरिंग नहीं करी बिल्कुल भी क्योंकि कपड़ा कम पड़ रहा था मेरे को और मैंने यूज़ जैसे रेड में मैंने तीन बताया तो मैंने चार कर दिया था बाद में उसके बाद फिर पाँच कर अगर आप थोड़ा सा भी ऐड करते हो ना तो आपको कंप्लीटली आगे जाके ऐड करना ही पड़ेगा रेड में अगर मैंने चार किए तो उसके बाद जो नेक्स्ट लगा है उसमें मैंने पाँच कर दिया फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लगा छः कर दिया उसके बाद जो आठ लग कर दिया इस तरीके से आपको करना पड़ेगा तो ये कई बार हो जाता है मतलब लगाते लगाते यहाँ पे स्लीव्स के मार्क लग रहे हैं बेसिक हैं बहुत बार बता चुके हैं स्लीव थ्री इंच ऊपर डाउन करते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं शोल्डर की फिटिंग करते हैं देन आगे होल की फिटिंग करते हैं तो वो बेसिक बेसिक कटिंग है स्लीव्स की मेन तो वही है श्रग में मेन है कि बस आप जितना आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कई बार कम हो जाता है जितना प्लस करोगे ना उसको नेक्स्ट लेयर में भी नेक्स्ट पार्ट में भी आपको प्लस करना पड़ेगा सो इस चीज़ का ध्यान रखना तो यहाँ पे सारे पार्ट्स मैंने ज्वाइंट कर लिए दोपट्टों के तो जिसमें कोई होल था दुपट्टे के अंदर उसको मैंने एडजस्ट कराया मतलब वो पार्ट कट करा है मैंने तो इस तरीके से पहले ग्रीन देन ग्रे फिर ये रेड येलो देन लाइट सा कलर देन ऑरेंज एंड लास्ट में स्काई तो ये सारे पार्ट एड हो चुके हैं अभी जो स्काई वाला है बिल्कुल लास्ट वाला एक ने मुझे कमेंट कर रखा था कि आप इसको नीचे से फोल्ड करो या कुछ और आई नो फोल्ड करना होता है बट मैं इसको पीको करवाऊंगी क्योंकि फोल्डिंग किया वो अजीब सा लगेगा बिकॉज स्टिच आ जाएगी ऊपर क्योंकि इसको इस पर मैं एक ही रील लेके बैठी हूँ स्काई सी रील थी जो ऊपर अपर पार्ट की है उसके साथ मैच करती मैंने रील ली थी तो वही सारी पे चली क्योंकि अलग अलग रील लगाने का टाइम नहीं होता कि मैं येलो पे येलो लूँ रेड पे रेड लूँ उसके बाद मैंने डोरी लगा दी ताकि हम इसे बांध सकें और ये छोटे छोटे पंपों में इनको लगा दिया तो ये कंप्लीट हो चुकी है जैकेट रेडी थोड़ा सा कलर लगा हुआ है क्योंकि इससे पहले होली खेल ली थी मैंने तो जैकेट ऊपर पार्ट वी आपको दिखा रही थी जैसे वी नेक मैंने आपको बताया था उसके बाद वी को मैंने खत्म कर दिया बिल्कुल लास्ट एंड पे ला दिया वी को तो आप देख रहे हैं तो एक ही डोरी लगाने की जरूरत है यहाँ पे तो ये डोरी लगा दी पम्पम लग गए अटैच होगी स्लीव्स तो ये कंप्लीट रेडी हो चुके हैं बहुत ही प्यारा बना है सूट सॉरी ये शिरक बहुत प्यारा बना है पहना भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बहुत पसंद किया ये स्क्रैच आउटफुट वाली वीडियो के अंदर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसमें काफ़ी पोजेज एंड स्टाइल दे रही हूँ मैं तो वो भी आप देख लेना तो ये देख लो आप ब्लैक धागा आपको दिख रहा है इस तरीके से मैंने एक ही थ्रेड का कलर यूज़ करा है अलग अलग नहीं यूज़ किया तो ये वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी इस तरीके से आपके पास अगर जैसे ये तो जैसे ये ना कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक मेरा तो कोई पैसा लगा नहीं ये पुराने टाइम की मम्मी टाइम के दुपट्टे पड़े थे छोटे छोटे तो ठीक है मैंने कहा यूज़ कर लेते हैं अगर आप बिल्कुल अच्छे से कुछ ऐसे डिज़ाइनर बनाना चाहते हो तो फैब्रिक लेते हो आप जो जड़ का फैब्रिक ले सकते हो शिफोन का आपके पास कोई साड़ी है शिफोन की इस तरीके से साड़ी से भी आप एक ही कलर के अंदर आप बना सकते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको कलरफुल बनाना है इस तरीके से आप एक कलर में भी कोई एक शिफोन की साड़ी आप उसको भी ऐसे कट करके जैसे पहले तीन कट करा चार कट का पाँच फिर छः फिर सात ऐसे हाँ बस इतना जितना घेर बढ़ाओगे उतनी डिफिक मतलब मुश्किलें आएंगी क्योंकि स्टिचिंग करते करते थक जाता है मशीन मेरे पैर जवाब दे गए थे तो ये कंप्लीट वीडियो थी आई होप आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ऑल्सो प्रेस द आइकन। बाकी वीडियोस भी आप देख लेना ओके अब मैं मिलती मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तो तक के लिए टेक केयर बाय एंड हैप्पी होली बाय